going to make, we are going to prepare chicken soup. This is desi style, street style, Peshawari chicken yakhni, you can say. And this is very delicious and very nutritious. Immunity, अगर आपकी weak हो गई है तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए. इसलिए ये खासतौर पे आफ्टर चाइल्ड बर्थ जब लेडीज जो है उनमें काफ़ी वीकनेस होती है उनको दिया जाता है. ये जो भी बीमार लोग होते हैं उनको दिया जाता है, जो बुजुर्ग हजरात हैं उनको दिया जाता है. आजकल डेंगू बहुत हो रहा है, उसमें भी बहुत इम्यूनिटी जो है वो लॉस हो जाती है, तो डेंगू के पेशेंट्स को भी रिकवरी में ये हेल्प करता है. इसी तरह से जो कोरोना के कोविड के पेशेंट्स हैं उनको भी ये उनके लिए बेस्ट है, और आफ्टर कोविड जो रिकवरी है उसमें भी ये बहुत हेल्प आउट करता है. और भी जो भी डिजीज़ हैं या डिसऑर्डर्स हैं जिसमें इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो उसमें ये ज़रूर लें. वैसे भी आप इसको अपनी डाइट का पार्ट बना सकते हैं. देसी चिकन से ये बनेगा ताकि देसी चिकन की जो न्यूट्रिशन है वो उसमें जाए. इसके लिए जो मैं कॉन्डिमेंट्स इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप नोट कर लें. एक्चुअली ये है 2-3% सर्विंग, ठीक है. इसमें हमें सबसे पहले चाहिए देसी घी 2 टेबलस्पून. आप इसको कम भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा नहीं पसंद तो, अदरवाइज इट इज़ गुड. आप 1.5 टेबलस्पून भी कर सकते हैं. आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में यह ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनेगा और ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आएगा. उसके बाद देसी चिकन आपको चाहिए 300 ग्राम्स, ठीक है. ये 328 ग्राम्स है और इसमें कलेजी भी शामिल है. मैं उसको भून के निकाल लूँगी और बाकी चीज़ें जो है ये बाद तक जाएंगी, बल्कि ये भी बाद में चली जाए तो कोई उसमें हर्ज नहीं है. और उसके बाद जो इसमें कॉन्डिमेंट्स हैं उसमें आप नोट कर लें, सबसे पहले जिंजर गार्लिक 1 टेबलस्पून जाएगा, यानी 1/2 टेबलस्पून दोनों चीज़ें हैं, ठीक है. ये फ्रोज़न है तो इसलिए आपको इस तरह से नज़र आ रही हैं. अनियन हम स्लाइस कर लेंगे, ये एक छोटे साइज़ का अनियन इसमें जाएगा. और बे लीफ चाहिए आपको, एक छोटा या फिर बड़ा है तो उसको हाफ ले लें. सिनेमन स्टिक आपको चाहिए, इस साइज़ की एक सिनेमन स्टिक ले लें, अगर छोटी हैं तो आप 2 ले लें या 1.5 कर लें, ठीक है. और ब्लैक पेपर कॉर्न्स जो हैं वो 6-7 ले लें, ये काली मिर्चें साबुत. और जो क्लोव्स हैं जिसको हम लौंग कहते हैं ये आप 2-3 ले लें. और ये सब्ज़ इलायची है 1 ले लें, ठीक है, 2 डाल लें. ये जो है साबुत धनिया, ठीक है, ये कोरिएंडर सीड्स ये आपने 1/2 टीस्पून लेने हैं. क्यूमिन सीड्स जो ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा है ये भी आपने 1/2 टीस्पून लेना है. फेनल सीड या सौंफ जो है ये आपने लेनी है 1 पिंच या 1/8 टीस्पून, ठीक है, और बस ये एक चुटकी के बराबर हो जाती है. और उसके बाद आपने ब्लैक पेपर पिसी हुई काली मिर्च लेनी है 1/2 टीस्पून. नमक आपने लेना है 1/4 टेबलस्पून. ये इसलिए 1/4 टेबलस्पून लेना क्योंकि हमने इसमें डालनी है चिकन क्यूब, ठीक है. और चिकन क्यूब हम 1/2 डालेंगे. एक बॉक्स में 2 चिकन क्यूब्स होते हैं, उन दोनों में से कोई एक क्यूब निकाल के उसका हमने 1/2 कर लेना है, ठीक है. और अगर आप चिकन क्यूब ना डालना चाहें, प्योर इसको देसी ही रखना चाहें, तो फिर आप नमक उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा उसमें डाल लेंगे. हल्दी इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून, ठीक हो गया. और वाटर इसमें जाएगा 1 लीटर, ये मेरे पास 1 लीटर पानी है. और इसको जब हम सॉटे करेंगे भुनाई मसालों की और चिकन की जब करेंगे तो उस दौरान हमें छींटा देने के लिए पानी चाहिए, वो आप अलग रख लीजिएगा. और ये जो आपको एग नज़र आ रहा है दिस इज़ फॉर सर्विंग, ठीक है. या आप सर्विंग के टाइम पे इसको बॉईल करके तो आप हर प्याली के साथ इसको जो है वो सर्व करेंगे, और इसके ऊपर फिर आप काली मिर्च और नमक जो है वो छिड़क देंगे. तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ. फ्लेम ऑन करके इसमें देसी घी डाल दिया है. अब जैसे ये मेल्ट हुआ है इसमें हम चिकन डाल देंगे और साथ ही जिंजर गार्लिक डाल के इसको सॉटे करेंगे अंटिल इट चेंजेस द कलर. ये इसमें जिंजर गार्लिक भी चला गया है, अब हम इसको सॉटे करेंगे और फिर मैं आपको वापस दिखाती हूँ जब इसका कलर चेंज होता है. ये इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी मैं इसको थोड़ा सा और सॉटे करूँ, यानी आपने टोटल 3-4 मिनट इसको फ्राई करना है इसके तरीके से. इसका फ्राई करने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें यखनी में तो स्मेल नहीं आती. अगर आप इसको अच्छी तरह से फ्राई नहीं करेंगे तो यखनी में तो स्मेल आएगी, तो इसका ब्लड यहाँ पे अच्छी तरह से जो अंदर जमा हुआ था सारा खुश हो जाना चाहिए. सौते करते हुए चिकन में जितना पानी छोड़ा होगा उस सारे को ड्राई होना चाहिए. इस स्टेज पे फिर हमने इसमें अनियंस ऐड करने हैं और सारे के सारे कॉन्डिमेंट्स जो हमारे हैं वो ऐड कर देने हैं.
इसको अच्छी तरह से हिलाते चलाते हुए हर तरफ से फ्राई करना है चिकन को, हर तरफ से इसका कलर जो है वो चेंज होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अनियन जो कि हमने चॉप कर लिए हैं, ठीक है, और साथ ही ऐड कर देंगे ये सारी की सारी मसालों वाली प्लेट। अब हम इसको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से फिर से इसको भून लेंगे पानी का छींटा देते हुए 4 से 5 मिनट का मत। ये देखिए इसकी भुनाई हो रही है, सारे कॉन्डिमेंट्स समेत अच्छे तरीके से। 1 टेबल स्पून पानी डाल के मैं इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। जब पानी ड्राई हो जाता है फिर से 1 टेबल स्पून पानी डाल देती हूँ। इस तरह से 4 से 5 मिनट इसको अच्छे तरीके से भूनना है। अदरवाइज़ जो चिकन होता है उसमें से भी, और जो ग्रोथ होता है यानी यखनी का शोरबा, उसमें से भी कच्चे चिकन की स्मेल आती है, तो इसलिए इसको भूनना बहुत ज़रूरी है फ्राई करना, तो फिर उसमें उसकी प्रॉपर खुशबू जो है एक्चुअल यखनी की वो आती है। ये तकरीबन 5 मिनट बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसमें जो चिकन है वो भी टेंडर हो गया है, गल चुका है, ठीक है। अब इस स्टेज पे हम इसमें 1 लीटर वाटर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करके इस पर कवर करेंगे, लिड देंगे और इसको 1/2 आवर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक इसका जो पानी है वो भी हाफ रह चुका होगा तकरीबन, यानी 1 लीटर हमने डाला है तो 1/2 लीटर पानी जो है इसमें रह चुका होगा, तो ये हमारा तब ब्रोथ रेडी होगा। ये देखें जी भापें उड़ रही हैं हमारे सूप में से, ठीक है, ये रेडी हो रहा है। अभी 15 मिनट हुए हैं इसको, हमने 15 मिनट और इसको पकाना है। खोल के भी दिखा देती हूँ आपको, ये देखें, ठीक है, और जो पानी है वो इसका तकरीबन आधा या पौना रह जाएगा, तक हमने इसको अच्छी तरीके से पकाना है, तब हमारा ये बोन ब्रोथ रेडी हो जाएगा। ये एक्चुअली बोन ब्रोथ ही होता है, ये इसके ऊपर छोटा छोटा सा रेशा ही होता है, छोटी छोटा मतलब इसके ऊपर जो आप कह लें मस्कुलर मैस जो है वो ब्रॉयलर चिकन की तरह ज़्यादा नहीं होता, कम कम होता है, लेकिन वो पावरफुल होता है, ठीक है, एनर्जेटिक होता है। तो ये हमारा अभी रेडी हो रहा है, 15 मिनट के लिए और इसको ढक देते हैं और फिर मिलते हैं जब ये रेडी होता है। और इधर मैंने अंडा जो है वो भी बॉईल कर लिया है, ये अंडा बॉईल हो गया हुआ है, ठीक है, इसको मैं छील के इसके 2 पीसेस कर लूँगी और फिर हम इसको सर्विंग में यूज़ करेंगे। ये जी हमारा बोन ब्रोथ रेडी है, 1/2 आवर इसको हो गया पकते हुए और ये 1/2 क्वांटिटी रह गई है, ठीक है। ये इसकी कंसिस्टेंसी है, अभी आपको समझ नहीं आ रही, जब आप इसको पियेंगे तो आपको समझ आएगी। इसको हम छान के अपनी सर्विंग डिश में डालते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा चिकन ब्रोथ रेडी है, ठीक है, इसको आप इस तरह से सर्व करें अंडे के साथ, ये बहुत अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। ये पूरा का पूरा ब्रोथ इस बोल में है, ये 1/2 लीटर है, ठीक है, हमने 1 लीटर पानी डाला था और ये 1/2 लीटर ब्रोथ है। और साथ में ये आप चिकन पीसेस भी रख दें इसके साथ, इसको खा सकते हैं ब्रोथ के साथ, पीसेस भी खाएँ, अंडा भी खाएँ, और चाहें तो आप इसको इसके अंदर रख दें इस तरीके से, ठीक है। तो ये चूँकि बोल है बड़ा तो ये इसमें डूब गए हैं, और अगर आप इसको छोटी 2 प्यालियों में, क्योंकि ये 2% सर्विंग है कम से कम, ठीक है, तो अगर आप प्यालियों में डालते हैं तो फिर आप इस तरह से ये प्याली में चिकन रख के इसके ऊपर आप ब्रोथ इसमें डाल सकते हैं। तो ये है हमारा बोन ब्रोथ देसी स्टाइल, स्ट्रीट स्टाइल या पेशावरी यखनी, देसी मुर्गी की देसी तरीके से यखनी, बहुत न्यूट्रिशियस होती है और स्पेशली जो ताकत देती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, ठीक है, दिस इज़ एन इम्यूनिटी बूस्टर। तो आप बच्चों को भी पिलाएं, आगे सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में इसमें आप मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं, आप इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद की, अदरवाइज़ दिस इज़ अ फुल मील, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और फौरन आप उसको वॉच कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।